नमस्कार किशन भाई, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं RS टेक्निकल खेती। तो किशन भाई, आज हम ऐसी दो वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं धान की, जो किसान हर कोई किसान लगाना चाहता है उसे, और अच्छे से अच्छा उसे मुनाफा होता है और अधिक से अधिक पैदावार निकलती है। तो किशन भाई, आज हम ऐसी दो वैरायटियों के बारे में जानेंगे जो कम पानी के अंदर अधिक लाभ देकर जाती हैं हमें, और सबसे महंगी वैरायटी ये बिकती हैं। तो पायनियर कंपनी किशन भाई हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली वैरायटी जो है 28S41, ये वैरायटी है, इसके बारे में जानेंगे कितनी अवधि देकर जाती है और कितने पैदावार देकर जाती है और इसके किलो संख्या कितनी होती है। तो किशन भाई, इसके चावल के बारे में जानेंगे, चावल जो खाने में कैसा लगता है। तो किशन भाई, वो बात कर लेते हैं पकने की अवधि। इसकी पकने की अवधि जो होती है धान की, वो 130 दिन से 132 दिन के अंदर ये धान की किस्म पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है। और किशन भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि ये किस्म जो होती है संशोधित धान की तुलना में 15 से 20% ज़्यादा उपज देकर जाती है। और किशन भाई, बात कर लेते हैं इसकी बाली के बारे में, इसकी बाली कैसी होती है। किशन भाई, इसकी बाली जो होती है मजबूत होती है और लंबी होती है, यानी कि अधिक दाने उस बाली के अंदर पाए जाते हैं। जब किशन भाई के लिए वाल लंबी होगी और अधिक से अधिक उसके दाने पाए जाएंगे, तो समझ लीजिए कि उत्पादन जो है उसका सबसे अधिक होगा। अब बात कर लेते हैं किशन भाई इसके चावल के बारे में, उसका चावल कैसा होता है। इसका चावल चिपचिपा नहीं होता है, बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल चमकदार चावल होता है और खाने में ये चावल बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है किशन भाइयों। अब बात कर लेते हैं बीज दर के बारे में, कि एक एकड़ के अंदर इसका बीज कितना लगता है। तो किशन भाई, 5 से 6 किलो एक एकड़ के अंदर इसका धान लग जाता है, जिसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं और 5 से 6 किलो ही एक एकड़ के अंदर ये धान लगता है किशन भाइयों। अब बात कर लेते हैं किशन भाई मार्केट रेट के बारे में, कि इसका धान जो है वो कितने रुपये किलो मिल जाता है। तो किशन भाई, इसका धान जो है वो 350 रुपये किलो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। बिल्कुल साफ धान आप देख कर लाएँ, बिल्कुल ओरिजिनल लाएँ, ठीक है। किशन भाई, मार्केट से सावधान रहे क्योंकि फ्रॉडबाजी काफ़ी होती है। तो आपका इसका धान जो अच्छा जो है वो 350 रुपये का धान इसका आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। तो किशन भाई, अब बात कर लेते हैं इसकी पैदावार के बारे में, कि एक एकड़ के अंदर कितना धान ये निकल कर आ जाता है। तो किशन भाई, एक एकड़ के अंदर 28 से 30 क्विंटल ये आसानी से धान निकल कर आ जाता है, जो बिल्कुल साफ धान होता है। इसके अंदर रोग कम से कम पाए जाते हैं किसान भाई। तो किशन भाई, अब बात कर लेते हैं दूसरे सीड्स के बारे में, जो पायनियर ही कंपनी की 27P37, ये काफ़ी प्रसिद्ध धान है किशन भाई, हो सकता है कि आपने ये लगाया भी हो। इसकी टैग लाइन है कि हर हाल में बेमिसाल, हर तरह की जलवायु, यानी किशन भाई इसका मतलब ये है ये कि हर तरह की जलवायु या फिर हर तरह की मिट्टी और कम से कम पानी में ही हो जाती है। चाहे तो कम जलवायु हो, चाहे कम, यानी कि मिट्टी आपकी सही ना हो, खेत अच्छा ना हो, उसमें भी आसानी हो जाती है, रेतीली ज़मीन में हो जाती है, और सूखेपन में जहाँ की खेत सूख जाता है, पानी नहीं रुक पाता, उसमें भी ये धान हो जाता है आसानी से। तो किशन भाइयों, अब एक इसकी विशेषता काफ़ी अच्छी मुझे भी लगती है, इसकी बालियाँ। इसकी बालियाँ जो होती है किशन भाई लंबी होती हैं एवं गुच्छेदार होती हैं, और उसका चावल जो होता है वो चमकदार होता है, और एक बाल के अंदर 400 से 450 दाने आसानी से निकल आते हैं किशन भाइयों। तो किशन भाई, अब बात कर लेते हैं इसकी अवधि के बारे में, यानी कि कितने दिन के अंदर ही पककर तैयार हो जाती है। तो किशन भाई, बहुत काफ़ी कम समय लेती है, जैसे कि 128 दिन से 130 दिन के अंदर ये आपका धान पककर तैयार हो जाता है, जिसे आप आसानी से काट सकते हैं। और किशन भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा इस किस्म में सूखा सहने की क्षमता होती है, अर्थात मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ पानी ना रुकता हो उस मिट्टी में भी आप इसका लगा सकते हैं, उस खेत में भी इस धान को लगा सकते हैं। और किशन भाई, इसके अधिक से अधिक फुटेर होती है, किले अधिक से अधिक लगते हैं, जिसके कारण ये धान थोड़ा छीदा लगाया जाता है। और किशन भाई, इसमें रोग तो कम से कम लगते हैं, जैसे पत्ता लपेट हुआ, हल्दी गांठ हुआ, ये रोग तो कम से कम इस धान के अंदर देखने मिलते हैं। तो किशन भाई, अब बात कर लेते हैं इसके उत्पादन के बारे में, कि एक एकड़ के अंदर कितना धान निकल कर आ जाता है। तो किशन भाई, 30 से 35 क्विंटल एक एकड़ के अंदर ये धान निकल कर आ जाता है, जो पायनियर 28S41 से थोड़ा ज़्यादा है। उसमें कितना निकल कर आता है किशन भाई, 28 से 30 निकल कर आता है, इसमें 30 से 35 निकल कर आता है किशन भाई। और ये दिन भी थोड़ा कम लेती है, वो दिन जो लेती है 130 से 132 दिन लेती है किशन भाई। और ये जो 27 पे 37, ये कुल कितने दिन लेती है, 128 से 130 दिन किशन भाई लेती है, यानी कि वो 2 दिन फालतू लेती है, जो मैंने आपको 28S41 बताई। और इसकी पैदावार की बात करें, इसकी पैदावार उससे ज़्यादा निकलती है। और अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट रेट के बारे में, कि एक किलो धान कितने रुपए का मिलता है किशन भाई। इसका धान जो मिलता है वो 350 रुपये किलो आपको मार्केट में मिल जाता है। तो किशन भाई, इन दोनों वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं, कि इनका चावल दोनों वैरायटी कैसा लगता है खाने में। तो किशन भाई, इनका चावल जो होता है बिल्कुल साफ निकलता है और स्वादिष्ट खाने में लगता है, और चिपचिपापन इन वैरायटी के अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो किशन भाई, देखा जाए तो काफ़ी अच्छी दोनों वैरायटी हैं, जो किसान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप लगाना चाहो 27P37 लगा सकते हो, थोड़ा ये बेहतर है 28S41 से। तो किशन भाई, मैंने दोनों धान के बारे में आपको जानकारी दे दी है, जो भी आपको धान अच्छा लगे आप उसे अपने खेत में लगा सकते हो। तो किशन भाई, इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं, A to Z खेती से रिलेटेड। यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो किशन भाई, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।